आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज तक जरूर देखते रहना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ घर वालों। नंबर एक का कबीना। ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए थे तो अब मुझे क्या बात है। देख लो बेगम तुम्हारे क्या चर्चे हैं हिंदुस्तान। बात को देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है तो बस। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा। जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मैं भी भाभी पे तो छाल उड़ा देंगे और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पर डॉलरों की बरसात हो जाएगी। भाभी आवेगी, हमारे भाभी आवेगी, भाभी आवेगी। सारे मुस्लिम भाइयों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा, चाहे आप अमर हो, अकबर हो, एंथनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका बाप रामलाल ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें एक दफा फिर से लाइव सेशन में ज्वाइन किया है HKHR बंटी जी ने, इंडियन मीडिया लेटेस्ट, उनके चैनल का नाम है। कल यूट्यूब पे मेरा और पाकिस्तानी यूट्यूबर है विश्वास, उसका एक लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो वीडियो आप विश्वास के चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ पक्के मजबूत इरादे वाले लोग भी है, वो कहते हैं कि बंटी भाई हमने पाकिस्तानी यूट्यूबरों का बायकॉट किया हुआ है, हम उनके चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं देखते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उस इंटरव्यू को अपने चैनल पे अपलोड कर रहे ताकि हम भी आनंद ले सके, लुत्फ उठा सके। तो मेरे भाई लोगों को इतनी छोटी सी इच्छा है और आपका भाई पूरी ना करे तो फिर तो बेकार है यूट्यूबर बनना ही। तो उस इंटरव्यू के पार्ट के कुछ अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण अंश आपके सामने पेश है। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपको मैंने बहुत ज्यादा व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच महवी जी, और बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, और मैं काफी दिन से आप बातचीत कर रही थी लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया, उसके लिए बेगम दिल से सॉरी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और मेरी आपसे बात हुई तो मुझे कॉल और ऑडियोज पे भी पता चल रहा था कि आपकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए मैंने ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने तबीयत ठीक होते ही हमें टाइम दे दिया। जी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अब बात को देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। Nice, आपका ये देख के ना हमारा आज का टॉपिक भी इससे रेलिवेंट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो मैंने सुना है कि इस रंग का कपड़ा खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त। हाँ। दूसरी बात ये कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, आपने मुझे बताया किस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा था, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस भी। जी, मैं अगर आप इमोशन की बात करना चाहे ना तो मैंने जब सबसे पहली बार जब राम मंदिर जी की तस्वीर देखी ना तो मैं बहुत भावुक हो गया था, और मेरे अंदर से ना अंदर से मतलब भाव उमड़ उमड़ के आ रहे थे कि ये राम जी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 20 पीढ़ियां गुजर गई है, जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां की है, उसके बाद में आज हम कितने खुश नसीब है कि हमको ये सब देखने को मिल रहा है 500 साल बाद। और मुझे शिकायत सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ में जो वर्ल्ड मीडिया कवर करता है उससे भी बहुत शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। भावना मैं आपको बताऊंगा लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया मस्जिद जो तोड़ के गए हैं तो वहाँ राम भक्तों को ये महसूस होगा कि भाई वो एक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, टूटी हुई मस्जिद के अंदर, शहीद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, और हिंदुस्तान की ये मतलब ये डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, थोड़ा सा कभी हिस्ट्री पढ़ लेते, इतिहास पढ़ लेते। 500 साल पहले बाबर ने, बीर बांकी ने वो मस्जिद बनाई, उससे पहले तो वहाँ राम मंदिर था। भाई अगर तुमने मेरा घर तोड़ा है और आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया है तो इसमें मैंने किसी का क्या घर तोड़ा है। और अब रही बात पाकिस्तानियों की, अब जैसे आप पाकिस्तानी हो तो आपके सामने बोलने में मुझे ज्यादा मजा आएगा आपकी पाकिस्तानी सरकार को कि भैया तुम तुम्हारे घर को संभाल लो कि तुमने कितने मस्जिद तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला या नहीं बोलेंगे। और कितने मस्जिदों को तुमने वो रीयूज में ले लिया है, कितनों को तुमने टॉयलेट बना दिया है, कितनों को तुमने सरकारी दफ्तर बना दिए। हाया सोफिया वो एक चर्च था, ईसाइयों का था, जब वहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है, यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा कल से मस्जिद हो गई। अभी शारदा पीठ पे जो
हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जो सबसे बड़ी देवी होती है, जो पीओके में है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, तुमने वहाँ पे कैफे खोल दिए, कैंटीन खोल दी, शर्म कर लो पाकिस्तानियों, हमारे राम मंदिर के बारे में बोलने से पहले अपने आप इस काबिल तो बन जाओ राक्षस हो। ऑडियंस मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जज्बाती हुई हुई है फिलहाल, लेकिन हाँ तो मैं आप मेरी भावनाएं सुन लीजिए। एक तो ये नहीं देखो नहीं मैं भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान की सरकार ही एक्सट्रीमिस्ट है, उसने इतनी इतनी बड़ी बात कर दी तो आवाम तो वैसे होनी थी नेचुरल। खैर अब आपने मेरी भावना की बात करी तो जो मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मेरा मन हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया, बहुत आनंद आया। और आई होप जितने भी राम भक्त है और जिनकी भगवान के अंदर आस्था है, 1% भी आस्था होगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, उन सबको इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है। और आप ये देखिए जैसे दिवाली पे, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं, हिंदुस्तान में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी भगवान राम के आने की खुशी में मनाया जाता है, ये 1-22 जनवरी पूरी दिवाली थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे शाम को, और पूरे रास्ते में घरों में पूरी रोशनी, और ये जो भगवा टोपी और भगवा गमछा आप देख रहे हैं आप, ये तो है ही है, हर एक कार पे, हर एक घर पे, हर एक ऑफिस में भगवा ध्वज, यानी कि मेरे खुद के इवेंट, मेरे ऑफिस में 3 भगवा ध्वज मैंने लगवा रखे है, मेरे घर 3, वहां भी 3 लगा रखे है, एक तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जहां तक आप पाकिस्तानियों की नजर जा भी नहीं सकती, आंख में कीड़े पड़ जाएंगे क्योंकि तुम्हारी नजर गंदी है पाकिस्तानियों की। ऐसी बात नहीं है, हमें भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजें बांटना भी चाहते हैं, जानते भी हैं। क्या बांटना चाहते हैं बताओ, क्या बांटना चाहते हैं पाकिस्तान? देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने आपको खुद बुलाया, सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इमोशंस। जहाँ तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके हमारे पाकिस्तानियों क्या इमोशन आया, पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना मुझे ये बताओ। पाकिस्तान बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके, पाकिस्तानियों का क्या लेना देना मुझे ये बता दो आज बाबर का, तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर, उसने राज किया दिल्ली में, लूटपाट की हिंदुस्तान में, मेरी बात सुनो, बाबर का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है मुझे आज ये साबित करके दिखा दो। सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम है बस, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। और अफगानिस्तान में जहाँ मरा उसको कोई पूछता भी नहीं है जाके, जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ कोई उसको नहीं पूछता, और पाकिस्तानी हालांकि बाबर को भगवान खुदा बना के बैठे हुए, क्या था भाई वो एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था, या हिंदुस्तानियों को लूटने आता था। और रही बात राम जी की बात कर रही थी, मंदिर की आपने जो बात की ना, तो जैसे आपने जो उस भावना को जो पूछा सवाल, जहाँ से शुरू किया वहीं से करते हैं, क्योंकि मैं भी बोलना चाह रहा था, काफी दिन हो गए मुझे भी ठीक से बोले, और आज तो बेगम है तो फिर खुल के ही बोलूंगा। तो राम मंदिर की है ना, कि जैसे राम मंदिर के दिन मैं अयोध्या तो जा नहीं सका, क्योंकि मेरा अयोध्या जाने का प्लान था, लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैं अयोध्या पहुंच ही नहीं सकता था, मैं लखनऊ तक पहुंचता, और मुझे जहां तक पता चला था ट्रैफिक बंद है और सिर्फ VIP एंट्री रहेगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उसके बाद लोगों के लिए दर्शन खोले जाएंगे, तो मुझे लगा इतनी भीड़ भड़क के में जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि पूरे रास्ते पूरे दिन लोगों ने खूब इंजॉय किया भगवान राम के लिए, चारों तरफ जैसे वो एक गाना नहीं है बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, यहाँ का हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जय जय श्री राम के रंग में रंग गया। और इवन तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमान भी मतलब यहाँ मतलब जयपुर के तो खासतौर से जो मुस्लिम है वो भी भगवा ध्वज जय श्री राम अपने मन से लगाए जा रहे हैं, अपने मन से जहाँ रैली निकल रही है जय श्री राम, प्रसाद खाए जा रहे हैं, मतलब लोगों ने भंडारे चालू कर दिए, प्रसादी बांटे जा रहे हैं, जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, जो भी भंडारे चल रहे थे, प्रसादी चल रही थी, क्योंकि बहुत जगह चल रही थी तो तुम्हें पता है फिर लोग लेने में इंटरेस्ट कम रखते हैं, तो वो बीच में रोडों पे आके सबको दे रहे थे, और बिना भेदभाव के दे रहे थे, बुरखे वाली जमकर माल चेप रही थी, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे बुरखे वाली हो, चाहे साड़ी वाली हो, चाहे भगवा वाली हो, चाहे ग्रीन वाली हो, चाहे कोई सी भी वाली हो या वाला हो, सबको बेहिचक बेहिसाब राम जी का प्रसाद बांटा गया, और बिना भेदभाव के बांटा गया, और सबने खुशियां मनाई, और जयपुर में बहुत अच्छे से मना। और मैं अयोध्या नहीं जा सका इसलिए मैं खाटू श्याम जी के गया, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया, वो भी आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर, तो मतलब बहुत खुशी की बात है ये। शैलेन जी विल बी वेटिंग फॉर दैट। आप समझ लीजिए, आप इतनी बड़ी खुशी है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जो आपका मुकद्दस सबसे बड़ा मुकाम है मक्का मदीना, तो उसी तरीके से हर एक सनातनी के लिए, हर एक हिंदू के लिए कोई मुकद्दस मुकाम है, वो है प्रभु श्री राम जी का अयोध्या का मंदिर। और वो मंदिर हमें 500 साल बाद मिला, इसके लिए मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को और योगी सरकार को, जो उन्होंने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। सभी मेरे भाइयों को, सनातनियों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा, और मैं सारे मुस्लिम भाइयों को भी जय श्री राम बोलना चाहूंगा, चाहे आप अमर हो, अकबर हो, एंथनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका बाप रामलाल ही है।
मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ, तुम आओ तो सही इंडिया में, तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे, मुझे बताएं तुम्हें 1,000 लोग देख रहे ना, तुम्हें 1,000 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो कि मेविश को अपन गंगा जल में, गंगा जी में ले जाके इसकी घर वापसी करा दे। पासपोर्ट भी है इसको, इलीगल तरीके से आने की भी जरूरत नहीं, सीमा की तरफ 1100 से ऊपर हो गए हैं लोग। देख लो बेगम तुम्हारे क्या चर्चे हैं हिंदुस्तान में। नहीं वाकई वाकई भाई बंटी जी मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी बहुत, मैं इतने दिनों से कमेंट्स देख रही थी, बुला लो उनको, बुला लो उनका सबर कर दो, बुलाती हूँ, बीमार है ठीक हो जाए। कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी तो वहाँ पे भी मुझे सेम यही मैसेज आ रहा था, जी 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 जी। अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा, मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अब कल से एकदम ओके। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है। अच्छा मुझे मुझे एक बात, मैं ठरक वाला कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ, तुम समझती नहीं हो, जिस दिन तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी ना उस दिन मेरे साथ में 1 करोड़ जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे व्यूअर है, मेरे व्यूअर है, उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। तुम पता नहीं कब फट जाओ, पाकिस्तानियों का पता ये ऑर्डर लगा रहता, पता नहीं कब पेटी में बांधिए बुरखे में निकल के फट जाए, क्या भरोसा। अब भैया तुम सनातनी बन जाओगी तो लोगों को ट्रस्ट रहेगा, घर में बिठाएंगे, बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, और पूरा हिंदुस्तान घूमोगे। आपको आपका मजहब अजीज है, मुझे भी अपना मजहब वाकई बहुत अजीज है, और बस हम नहीं, तुम तुम्हारे मजहब में रहो ना, मजहब में रहो, हम तो हमको तुम्हारे मजहब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप धुल जाएंगे जो पाकिस्तान में तुमने किए। मुझे बताएं क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी मंदिर है, देखना चाहेंगे? तुम करो, मेरे को बुलाओ, आ जाऊंगा। प्यारी समझ गई। आपकी हुकूमत आने देगी? देखो अगर मैं पाकिस्तान में आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर पे रहूंगा, और मैं तुम्हें मुझे घुमाओगी, तुम्हें खिलाओगी, तुम्हें पिलाओगी, फिर वहाँ पे ये जिम्मेदारी ले सकती हो तो फिर मैं आ सकता हूँ, मैं फिर नहीं तो मेरा पाकिस्तान आने का कोई इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में हाँ पाकिस्तान में नहीं, मैं फिर वो मास्क लगा के घूमूंगा ना, वैसे तो पाकिस्तानी मुझे देखते नहीं है, 1-2% ही देखते हैं, और वो भी गालियां देके जाते हैं, लेकिन फेसबुक पे बहुत देखते हैं, 25% से ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं, वो बहुत गालियां देते हैं, मैसेज में वॉइस मैसेज भेजते हैं। मैं कभी किसी दिन है ना यूट्यूब में गाइडलाइंस का नहीं होता ना तो मैं कभी उनके वॉइस मैसेज के ऐसी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां अगर आप सुन लो ना आपके कानों से खून निकलने लग जाए, लेकिन सुनता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानियों को कम से कम मैं तपा तो रहा हूँ मैं। मौसम कैसे वहाँ का? यहाँ बहुत ठंड है और अभी तो और बढ़ेगी ठंड, और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है, और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए थे तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है, अब मैं खोल देता हूँ जैकेट। मैं कह रही हूँ कि पहला लाइव की हाईएस्ट ऑडियंस मेरी गई थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था जी, और दूसरी दफा मेरी हाईएस्ट ऑडियंस लाइव की 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज आई है। अब तो देख लो ना, अब तुम सोचो जब तुम पाकिस्तान में बैठ के एक हिंदुस्तानी से इतने सारे मतलब ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती हो, जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मेविश भाभी पे तो जान लुड़ा देंगे और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पे डॉलरों की बरसात हो जाएगी, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक पाकिस्तानियों के, हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो, सीमा को देखो। अखिल कह रहे हैं मेविश बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। अरे बहुत बहुत, तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो, तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। बैठे बैठे मुझे रोस्ट करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करना, लोगों को करना है जी। कोई ऐसी चीज राम मंदिर के रिलेटेड जो बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एन इंडियन वो पाकिस्तानी मुझे ना पता हो, आपको पता हो कोई ऐसी यूनिकनेस? ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाओगी, मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है, उसके वो बाबर के खून से सरोवर है, और ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे गंदे भारी भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के, आधे तो समझ में नहीं आते, जबकि मैं तो इतना आदि हूँ पाकिस्तान मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहाँ पे पहले राम मंदिर था, जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है बाबर, वो वहाँ गया था, उसने मीर मांकी को बोला कि को तोड़ के मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दो, और वहाँ कत्लेआम भी किया, वहाँ साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई भी की, लेकिन साधु संतों से कहाँ उन दानवों से लड़ पाते, उसने मार काट के भगा दिया और जो सामने आया उनको मार दिया, और उसके बाद में वहाँ पे बाबरी ढांचे की तामीरदारी कर दी, फिर उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई, धीरे धीरे केस धीरे धीरे करके करते ये केस 500 साल तक खिंच गया, और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी पूरे तथ्यों के साथ में किया है,
इसमें मुस्लिम पैरोकार भी थे, हिंदू पैरोकार भी थे, और जितने भी ऑथेंटिक किताबें थी उनके रेफरेंस से किया है। उसके बाद में जो पुरातत्व विभाग होता है, ASI की रिपोर्ट देखी गई है कि वहां पर वाकई में क्या भगवान राम का मंदिर था नहीं था, पूरे मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया। उसके बाद में मस्जिद वालों को भी नाराज नहीं किया, ये नहीं कि उनको नाराज कर दिया, उनके लिए भी एक अलग से जमीन दी है कि वहां पर जाके अपनी मस्जिद बना ले। तो ये बात आप जो पाकिस्तानियों को नहीं पता है, ये बात पाकिस्तानियों को पता होने के बाद भी वो मानते नहीं है। तो मुझे आप बताइए, तो ये पाकिस्तानी सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते आके? काफी पाकिस्तानियों को बात पता है लेकिन वो मानते नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप कह रहे ना बहुत से पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानियों को ये बात पता ही नहीं होगी। पाकिस्तानियों को वही बात पता होगी जो वो हमेशा से अपनी हिस्ट्री में सुनते और देखते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता है, आई कैन डिफ्रेंशिएट। लेकिन मेजोरिटी पीपल आर स्टिल डोंट नो, उनको नहीं पता, इसलिए वो इस पर आर्ग्यू भी करेंगे, बहस भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे इस बात को। भी इंडिया आऊंगी ना, आई डू विजिट राम मंदिर। हाँ मैं ये कह देती हूँ कि मैं जब भी इंडिया आऊंगी, आप सब सब्सक्राइब कर लो। ओके जी, बंटी जी के चैनल को भी इंडिया मीडिया, इंडियन मीडिया लेटेस्ट के नाम से है, वो चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग किसी दिन वहां पे भी लाइव आएंगे, और जिसने अभी तक लाइव देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों के इस प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी सफर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने इतना कीमती टाइम दिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाते जाइए। मैं भी आपकी ऑडियंस को हिंदुस्तान में लाने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको मैविस भाभी इसको रील टैग कीजिए, इसको इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, इसको शॉर्ट वीडियो बना के टैग कीजिए, मैविस भाभी भाभी ये मजबूर हो जाए भाभी बनने के लिए। और सब सनातन ऐसा मत कीजिएगा, मैं मुझे लोग वीडियो भेज के कह रहे होते हैं किसकी भाभी बन गई, कहां से आ गई। देख लिया वीडियो, देखने के बाद में आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आप ही का है। अच्छी तरीके से पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाते हुए जाइए, मैविस को भी मत छोड़िए, मैं तो कहता हूँ इसको ज्यादा रगड़ा लगाइए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को जब तक हम पाकिस्तानियों को रगड़ा नहीं लगाया, जब तक उनको फफेड़े ना, जब तक मजा नहीं आता। जिस दिन ये काम नहीं करते ना, उस दिन ऐसा लगता है जैसे कोई मिल नहीं रही है, पता नहीं कुछ मिसिंग है। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया भैया, वीडियो चालू होते लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, आपके भाई के एल्गोरिदम की बैंड बच चुकी है। और एक और बात है, मैं आने वाले टाइम में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी बताने का समय नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो बात रहे था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। को लग रहा है कि पाकिस्तान को सारे कंट्री जो है वो बैंड कर देगा, क्योंकि रीजन तो खुद पाकिस्तानी जानते हैं। तो आपको भी दोस्तों बताने की, मेरे को नहीं लग रहा, जरूर होगी, आप हमसे भी अच्छी तरह से जानते होंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।